सोलन में आज गुरुकुल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 5 अक्टूबर को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीडीएचई ने सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण क्लब ग्रीन स्कूलों के एक छोटे से सम्मान समारोह के साथ साथ कुछ स्कूलों जिन्होंने ग्रीन स्कूल कार्यक्रम और विप्रो अर्थियन कार्यक्रम में जिला सोलन को गौरव दिलाया है तथा कुछ श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों जिन्होंने पेंटिंग्स और स्लोगन लेखन प्रस्तुत किए हैं को भी सम्मानित किया गया। इस समारोह में कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया, जिसमें उपजिला शिक्षा अधिकारी सोलन राजकुमार पराशर, विशिष्ट अतिथि अमरीश शर्मा, जिला विज्ञान समन्वयक इको विज्ञान फाउंडेशन से आशीष और श्रेय, अर्थ जस्ट इको सिस्टम से अभिषेक, मनीषा और श्रुति एवं विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य, अध्यापकों तथा विजेता छात्रों ने भाग लिया जो इस कार्यक्रम के साक्षी बने। सभी गणमान्य व्यक्तियों का विद्यालय की प्रधानाचार्या लखविंदर अरोड़ा द्वारा हरे पौधे भेंट कर स्वागत किया गया। सस्टेनेबल स्कूल्स, सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन स्कूल्स? द स्कूल्स वेयर द स्टूडेंट्स कैन थिंक अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन, द स्कूल्स वेयर द स्टूडेंट्स कैन थिंक टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द एयर। आज की तारीख में भी सो दैट इज द पावर एक टीचर एक इन्फ्लुएंस का कैरी करता है। तो आप लोग वो पावर कैरी करते हैं, अगर आप लोग रियलाइज करना चाहें तो। कुछ लोग जिन्हें मैं जानता हूँ वो कैरी करते हैं वो रियलाइजेशन की वो पावर कैरी करते हैं अपने जीवन काल में। शायद 30,000 बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं आप लोग हर साल 300 को, बट अगर मैं गुणा करूँ उसको 30 साल के एक्सपीरियंस में तो 100 भी करते हों तो 30,000 भी करते हों तो 30,000 लोग हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं पूरी जीवन काल में। सो दैट इज द पावर वी कैरी एज एजुकेटर्स। So the Eco Clubs on a yearly basis, that is rupees 5,000 annually, that was the fund being provided by Eco Clubs by Himcos to the Eco Clubs, but now that scenario has been changed and now we have another system in which the proposals from the schools are being invited and then the Himcos provides funds on that basis. It's not on the yearly basis, which used to be the earlier system.